गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपी आईटीआई टेक्नीशियन में। तो करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। प्रश्न संख्या एक, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना से कितने लोगों को चुना गया है? तो देखिए, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना से 4 लोगों का चुनाव किया है। अच्छा, इस जो गगनयान मिशन है यह 2022 में लॉन्च किया जाएगा, इसके लिए 4 लोगों को इसरो ने चुना है। देखिए, इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलुरु में और वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष है वो है के सिवान। प्रश्न संख्या दो, राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में फिर से शुरू की गई है। जैसा कि हमें पता है, जम्मू एंड कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं होते हैं, यहाँ होते हैं उपराज्यपाल। और जो जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल है वह है गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए, राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना के अंतर्गत पोल्यूशन कंट्रोल के लिए सहायता की जाएगी। चलिए प्रश्न संख्या तीन की बात करते हैं, खेलो इंडिया खेलों के तीसरे संस्करण में किन दो खेलों को पहली बार शामिल किया जाएगा? तो खेलो इंडिया खेलों में तीसरे संस्करण में लॉन बाउल्स तथा साइकिलिंग, इन दो खेलों को पहली बार शामिल किया जाएगा। देखिए, खेलो इंडिया खेलों का ये तीसरा संस्करण है जो असम के गुवाहाटी में आयोजित होगा। अच्छा, पहले और दूसरे संस्करण की बात करें तो पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में आयोजित हुआ था और दूसरा संस्करण 2019 में पुणे में आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया खेलों के मुख्य अधिकारी की बात करें तो है अभिनाश जोशी। चलिए प्रश्न संख्या चार पर चलते हैं, दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, यह ऐप दृष्टिहीनों को नोट को पहचानने में मदद करेगा। अच्छा, बात करते हैं RBI की, तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है या शक्तिकांत दास गवर्नर। ये 25वें नंबर के गवर्नर है, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। मनी ऐप है, यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से कार्य करेगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या पाँच की, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। ये 107वें नंबर का संस्करण है जो बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, बात करें इसके थीम की, तो थीम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। बेंगलुरु के कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटी में यह आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य की बात की जाए तो हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट कर्नाटक राज्य ने जीता था तथा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम रैंक भी कर्नाटक राज्य ने प्राप्त की है। यहाँ के CM की बात करें, मुख्यमंत्री, तो वो है BS येदियुरप्पा। तथा एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो होता है यक्षगान से संबंधित, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान। बात करते हैं प्रश्न संख्या छः, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर माह में GST राजस्व संग्रह कितना हुआ है? तो देखिए, GST राजस्व संग्रह दिसंबर माह का 1,00,000 करोड़ से अधिक रहा है, 1,03,184 करोड़ रुपए का संग्रह रहा है। बात करें GST की, तो GST 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है तथा इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
प्रश्न संख्या 7, किस मंत्रालय के द्वारा संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो देखिए, संतुष्ट नामक पोर्टल श्रम मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल कामगारों को शिकायत के निवारण और उनके द्वारा बनाए गए उनके लिए बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन के लिए बनाया गया है। श्रम मंत्री की बात करें तो वर्तमान में श्रम मंत्री है संतोष गंगवार। चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। उमारो सिस्को को अम्बालो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इन्होंने गिनी बिसाओ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। गिनी बिसाओ की राजधानी है बिसाओ तथा यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। रीफ टॉक्सिक सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? तो देखिए, हाल ही में रीफ टॉक्सिक सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश पलाऊ है। बात करें पलाऊ, तो पलाऊ की राजधानी है गेरुलमड। और ये रीफ टॉक्सिक है, इसमें ऑक्सीबेंजोन नामक रसायन पाया जाता है जो प्रवालों या मूंगों के लिए हानिकारक होता है, उन्हें प्रभावित करता है। इसीलिए रीफ टॉक्सिक सन क्रीम पर पलाऊ देश ने प्रतिबंध लगा दिया है। बात करें प्रश्न संख्या 10 की। हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, वीके यादव जी को दोबारा रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पहले भी यही थे और अब वापस भी इन्हीं का चुनाव किया गया है। बात करें रेलवे बोर्ड की, तो वर्तमान में रेल मंत्री है पीयूष गोयल और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, आपसे पूछा गया था किस राज्य के परिवहन निगम ने व्हाट्सएप सेवा दामिनी शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने दामिनी सेवा शुरू की है। चलिए, आज का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से दें। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में डीआरडीओ की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय।